सर आप सुना कैसे आवाज थोड़ी ज्यादा। अल्लाह कॉलेजेस कैसे जा रहे हैं? बस यार शफकत महमूद ने तो कहा कि कॉलेज बंद हो रहे हैं और अभी देखो क्या होता है। हाँ यार कोरोना वायरस की वजह से क्या कर सकते हैं। बस यार तमाम इदारे बंद कर दिए। मैं तो बहुत खफा हूँ यार, छुट्टियाँ हो गई हैं, पैसे ज़ाया हो रहे हैं, कुछ पढ़ा नहीं रहे और बिल्कुल ऐसी ही बात है यार। और ऑनलाइन में भी ना होने के बराबर काम छुट्टियाँ तो हो गई हैं और स्टडी कैसी कर रहे हो घर में? अरे यार क्या स्टडी, छुट्टियाँ आ गई हैं, आप मजे में अयाशी हो रही है। सारे दिन मोबाइल यूज करते हो? बस मोबाइल यार स्टडी किया करो, पिछले साल भी हम इसी तरह पास हो गए बिना पैसों के। अरे यार ये तो शफकत महमूद के एहसान है, उसने छुट्टियाँ कर दी, अब हमें और क्या चाहिए यार। पेपर्स खाम खा होनी चाहिए इससे। अरे यार पता चलता है उसने पिछली बार भी पास कर दिए थे, इस बार भी पास। यार इस दफा पास नहीं होना चाहिए इसी तरह, इन्हें चाहिए कि हमारे लिए प्रॉपर बंदोबस्त करें। हम तो चाहते हैं इसी तरह पास। ये लोग 3 महीने छुट्टियाँ दे देते हैं, ऐसे कैसे पास हो सकते हैं? अरे यार ये तो मजे की बात है यार। मजे की बात नहीं है, आपको एक चीज भी आती इस किताब के अंदर नहीं, क्योंकि आपने सारा दिन अयाशी की है। ये पढ़ने का टाइम होता है, पेपर्स करीब है और फिर भी आप छुट्टियां कर रहे हो यार, हम तो ख्वार हो गए। असद तेरी बात बिल्कुल ठीक है, पर देख यार शफकत महमूद के होते हमें क्या किस चीज की टच यार। शफकत महमूद तो अपनी शफकत महमूद तो अपनी पोस्ट पे बैठा हुआ है, हमने अपने फ्यूचर को देखना है। ये बात मानते हैं हम कि कोरोना है, लेकिन हमें जो नहीं है घर में बैठ के पढ़ना चाहिए। अभी इन्हें चाहिए कि माली ऑनलाइन के अच्छे बंदोबस्त करें। ऑनलाइन में कोई टीचर सही तरह नहीं पढ़ाता। पास हो जाएंगे पिछली बार की तरह, टेंशन ना ले। कैसे हैं? ठीक है। बहुत मजे थे, बहुत मजे थे जी। और जब हमने फीसें जमा की, पैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा की जी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कोरोना की लहर आ गई तीसरी, बस उन्होंने छुट्टियाँ दे दी। अभी ऑनलाइन क्लासेस होती है, पर जब ऑनलाइन क्लास में सर थोड़ा पढ़ाने लग जाता है सिग्नल गायब हो जाते हैं। हमारा भी इसी तरह सिस्टम है। और कैसे आपकी कैसी ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही यार? ऑनलाइन क्लासों में तो मजा नहीं आता वैसे, बेहतर था। ये भाई तो कह रहे हैं कि हम सारा दिन मजे करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। ये असद भाई देखो ये छुट्टी है, देखो एक जो जो जितनी पहले जो जनरेशन थी वो एक छुट्टी के लिए तरसते थे, और हमें देखो अल्लाह पाक ने कैसा मौका दिया, छुट्टियाँ भी छुट्टियाँ में मिल रही हैं। इंजॉय करो, ऑनलाइन क्लासेस लो, समझो, गूगल पे जाओ, सर्चिंग करो, समझो टॉपिक को समझो। अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर एक चीज़ को समझेंगे ना आप, ये ना स्कूल ना कॉलेज ना यूनिवर्सिटी में आप ऐसा नहीं समझ पाएंगे। यही बात है असद भाई, ये समझो पहले तो। और असद भाई की भी बात सही है और अतर भाई आपकी भी बात सही है कि घर में पढ़ना है और इंजॉय करनी है, मस्ती करनी है। मस्ती करो लेकिन मस्ती का एक टाइम हो। पढ़ाई अपने आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा, उनके दिल में आपके लिए बहुत से ख्वाब हैं, उनको पूरा करो, ड्रीम्स बिल्कुल पूरे करो जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ, मैंने यही समझाना चाहता था। तो अतर भाई छुट्टियाँ करो, इंजॉय करो लेकिन पढ़ो भी। और असद भाई आप भी पढ़ो, आपकी बात भी अपनी जगह सही है, अतर भाई की भी बात अपनी जगह सही है। तो बस देखो हर बंद एक जैसा नहीं होता, किसी को पढ़ने का ज़्यादा शौक होता है, किसी को कम शौक होता है। मैं खुद था, मुझे बचपन में पढ़ाई का बहुत कम शौक था, जब आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक गया तो तब मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ। और असद भाई आपकी जगह भी अपनी जगह सही है और आपकी भी सही है। और ये जो कोरोना है ना, ये देखो हुकूमत ने आपकी सेफ्टी के लिए आपके फ़ायदे के लिए छुट्टियाँ दी है, वरना वो वैसे स्टूडेंट्स को छुट्टियाँ नहीं देते। तो हमें चाहिए अपने आप को और दूसरे माशरे में जितने भी लड़के हैं लोग हैं, हम उनकी सेफ्टी के लिए भी हर किसी की मदद करें, दूर रहें कोरोना से। और ये कोरोना देखो एहतियात बेहतर है। बिल्कुल बिलाल भाई, असद भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल हमें पढ़ना भी चाहिए। मौज मस्ती अपनी जगह पे, बिलाल भाई ने जैसे बोला मौज मस्ती अपनी जगह पे, पर मैं आपकी बात से भी एग्री करता हूँ, आपकी बात से भी एग्री। ऑनलाइन क्लासेस आप देखें, अगर अच्छा इन्वायरमेंट होगा, हमें अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही होंगी तो हमें स्टडी ईजी होगी। पर आजकल जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो वाला सिस्टम नहीं है। मीन्स बेहतर ही था कि अगर कॉलेजेस ओपन होते। मैं असद भाई की बात से भी एग्री करता हूँ और आपकी बात से भी एग्री। आपकी बात भी सही है, कोरोना है, हमें बचना चाहिए, सेफ्टी के लिए हुकूमत हमारे लिए हमारी सेफ्टी के लिए कर रही है ताकि हमारी जानें बच सकें, क्योंकि आगे बहुत जानें हम लोग गंवा चुके हैं लोगों की।
तो आपकी बात भी सही है, छुट्टियां होनी चाहिए, हमें घर में रहना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब लोगों ने मेरी बात मानी और दोनों कन्विंस हो गए, एक दूसरे से झगड़ना छोड़ दिया और दोनों की एक ही सलाह है। जैसे कि नाज़रीन आपने हमारी वीडियो देखी, इस वीडियो से आप बड़ी सबक हासिल कीजिए, अपने आप को कोरोना से बचाइए, हुकूमत ने आपको छुट्टियाँ दी है कोरोना से बचने के लिए, तो आप घर में बैठिए स्टूडेंट और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे पढ़ेंगे और आगे जाके कुछ बन सकेंगे। थैंक यू। हमारे बचपन प्रोडक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। हमारे बचपन प्रोडक्शन की इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।